नमस्ते दोस्तों, हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हिंदी कह रही सबसे सुनो मेरी करुण ताने, पिछड़ी देश में अपने बेगाना मुझको क्यों माने, लौटा दो मुझे कहो सांसे जो अब अंग्रेजी लेती है, लौटा दो मुझे कहो सांसे जो अब अंग्रेजी लेती है, थोड़ा सा प्यार करके सब बनो मेरे अब दीवाने, थोड़ा सा प्यार करके सब बनो मेरे अब दीवाने। हिंदी के पिछड़ने का क्या कारण है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं क्या सोचती हूँ, पंक्तियों के द्वारा आपको बताना चाहूंगी। विविधताओं का भारत है, सभी की बोली न्यारी है, सभी की नजरों में हिंदी इसी कारण से हारी है, गैर हो कर के अंग्रेजी जुबा पर सब के आई है, गैर हो कर के अंग्रेजी जुबा पर सब के आई है, सौतन बन गई इंग्लिश बनी हिंदी बेचारी है। अब उन लोगों को नमन करती हूँ जो हिंदी के उत्थान में दिन रात तत्पर रहते हैं, हमारे कवि लोग। नमन करती हूँ कवियों को जो हिंदी गुनगुनाते हैं, अलख घर घर में हिंदी की कवि मिलकर जगाते हैं, इन्हीं के दम पे हिंदी ने छुई ऊंचाई अंबर की, इन्हीं के दम पे हिंदी ने छुई ऊंचाई अंबर की, भारत माता का गौरव ये हिंदी को बताते हैं, भारत माता का गौरव ये हिंदी को बताते हैं। और मेरी अगली पंक्तियां उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये मानते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्ञानवान होते हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूं। अंग्रेजी भाषी ज्ञानी है, सोचने वाले पागल हैं, यही गद्दार हिंदी को करे बस आज घायल है, पूरे विश्व में हिंदी का डंका आज बाजा है, पूरे विश्व में हिंदी का डंका आज बाजा है, हमारे देश का मुखिया बना हिंदी का कायल है, हमारे देश का मुखिया बना हिंदी का कायल है। और ये जो मैंने अभी तारीफ की, ये किसी प्रधानमंत्री की नहीं की बल्कि उस व्यक्ति की है जिसका समर्पण भाव हिंदी के लिए बहुत ज्यादा है, उसने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। तो नमन और बहुत बहुत धन्यवाद।